जिनका पूजा में, पाठ में, कथा में मन नहीं लगता हो, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। तो ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, जरा हाथ उठा के बताओ। अच्छा, सबका लगता है, क्यों झूठ बोल रहे हो? हैं हाँ, हमें पता है किस किस का लगता और किसका नहीं लगता। ये भी पता चल जाता है कौन कथा सुन रहा है और कौन बातें कर रहा है। हाँ, अच्छा, अगर नहीं लगता हो तो उपाय बताऊं, और लगता हो तो फिर कथा को आगे बढ़ाऊं। तो फिर बताओ किस किस का नहीं लगता। देखो, झूठ पकड़ा गया कि नहीं, पकड़ा गया कि नहीं आपके सामने। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, बताए देते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थियों का मन कम लगता है, मन लगाने का कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी ने तब चार सूत्र बताए हैं। कहा, परीक्षित मैं चार सूत्र तुम्हारे लिए बता रहा हूं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मना संदार्योद्या। ध्यान दीजिए, कथा सुनने बैठो, पूजा करने बैठो, सबसे पहले जितासनो, अपनी आसन को जीतना सीखो। ये नहीं, 3 घंटे की कथा में कभी पैर सामने कर लिया, कभी इधर कर लिया, कभी इधर कर लिया, और कभी मन आया सो महाराज जी के सामने फैला दिए। हाँ, जितासनो, बोले अपनी आसन को जीतना सीखो। कहा, गुरुदेव आप तो कहते हो आसन को जीतना सीखो, और कहीं किसी को घुटनों की बीमारी हो, आजकल ज्यादा चल रही है। हाँ, लोग कम बैठ पाते हैं आसन से, उनके लिए कोई और उपाय नहीं है? बोले है, कोई बात नहीं, अगर आसन को नहीं जीत सकते हो तो जित श्वास हो, अपनी श्वास को जीतना सीखो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। कहा, महाराज आजकल ध्यान योग करता कौन है? है, कोई नहीं करता है। आजकल सबसे ज्यादा श्वास की बीमारी चल रही है, है? आपको पता होना चाहिए, जो ध्यान करता है, जो ओमकार का उच्चारण करता है, उसको कभी श्वास नहीं होती है, और जो शंख बजाता है उसको भी कभी श्वास नहीं हो सकती है। हाँ, जित श्वास हो, बोले अपनी श्वास को अपने उसमें करूं। कहा, महाराज आजकल किसी को श्वास की बीमारी हो तो कैसे वो श्वास को वश में करे? बोले कोई बात नहीं, जित संगो हो, बोले अच्छा संग तो कर सकते हो, अच्छा संग तो कर सकते हो। कहा, महाराज अच्छा संग मिलता किसको है? जिधर देखो उधर कुसंग ही कुसंग है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि अच्छा संग मिल जाए। बंधुओं, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जितना संग का प्रभाव पड़ता है, एक मुझे कथा याद आ गई, सुनाई देता हूं। एक बाजार में 2 तोता बिकने के लिए आए, एक राजा खरीदने के लिए आया। राजा जब खरीदने के लिए आया तो एक तोता तो था संत के पास में, और एक तोता था कसाई के पास में। राजा ने आकर के संत के तोते से पूछा, कहा तुम्हारे तोते की क्या कीमत है? संत बोले हमारे तोते की कीमत है 1,00,000 रुपए। बगल में ही कसाई बैठा हुआ था तोते को लिए। राजा ने पूछा तुम्हारे तोते की क्या कीमत है? कसाई बोला हमारे तोते की कीमत है 100 रुपए। राजा देखने लगा, दोनों तोता देखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर एक की कीमत 1,00,000, एक की कीमत 100, ऐसा क्यों? संत से पूछा राजा ने, तुम्हारे तोते की कीमत 1,00,000 क्यों है? देखने में दोनों एक जैसे। संत बोले राजन, इस तोते की कीमत मैं यहां नहीं बता सकता हूं, इसको तुमको घर ले जाकर लेकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर के कीमत पता लगेगी। राजा ने तुरंत क्या किया,
एक लाख वाला तोता खरीद लिया। राजा ने सोचा एक लाख वाला तो लिया ही है, सौ रुपए वाला भी लिए लेते हैं, क्या लग रहा है, सौ वाला भी तोता खरीद लिया। दोनों तोताओं को लेकर के राजा अपने महल में आया। अब राजा ने विचार किया, देखो एक लाख वाला इतना महंगा तोता है, इसको सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। सो राजा ने क्या किया, एक लाख वाला तोता लिया और जो जहां राजा सोता था, जो राजा का शयन कक्ष था, राजा ने उस तोता को अपने शयन कक्ष में टांग दिया और सौ रुपए वाले तोता को टांग दिया बाहर दरवाजे पर। कावले उड़े सो वड़ा उड़ जाए, सौ रुपए का तो है। राजा रात्रि में सो गया, राजा सो रहा था और जैसे ही सवेरे के चार बजे जो संत का तोता शयन कक्ष में टंगा था, उसने बोलना शुरू कर दिया, कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोवना लंबे पाम पसार, एक दिन तो है सोवना लंबे पाम पसार। अरे राजन सोते ही रहोगे, उठो, सवेरा हो गया। राजा की नींद खुली, राजा उठ करके बैठ गया। राजा ने सोचा चलो मुंह हाथ धोकर के आते हैं। राजा महल के बाहर गया, दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे पर सौ रुपए वाला कसाई का तोता टंगा था। जैसे ही राजा को देखा, चिल्लाने लगा, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। राजा को गुस्सा आई, बताओ सवेरे सवेरे चार बजे है? ये क्या कह रहा है, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो, मारो काटो। राजा को क्रोध आया, राजा ने तुरंत तलवार को उठाया और जैसे ही उस तोते की गर्दन काटना चाहते थे, संत का तोता फिर बोलने लगा, अरे राजन न चास गोड़ो न दोसे। अरे राजन उस तोते का दोष नहीं है, उसको मत मारो, हम दोनों एक मां की संतान है, दोष तो उसकी संगति का है, उसके लिए एक कसाई की संगति मिली है और मेरे लिए एक संत की संगति मिली है। राजन ये दोष उसका नहीं, ये संगति का दोष है। बंधुओं ये होता है संग, बिन सत्संग विवेक ना होई। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।